हेलो दोस्तों, राजील इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास ये टेबल फ़ैन आया हुआ है, यह जाम था तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ आप लोगों के लिए। तो इसमें ना इसका बूस ख़राब हो गया है, दोनों बूस ख़राब हो गया। देखिए, इसको बूस बोला जाता है, यह टेबल फ़ैन है। दोनों बूस आज चेंज करने आप लोगों को सिखाएंगे। यह इसका रोटर, तो दोस्तों इसको चेंज करने के लिए यह रिपीट को बाहर निकाल लेंगे। देखिए, यहाँ पर चार रिपीट लगा हुआ है। तो दोस्तों इस रिपीट को कैसे निकालेंगे, देखिए आप लोगों के सामने इसको निकाल के दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए एक पाइप चाहिए सुराग वाला, जो इसमें फिट बैठे, और इस पर रख के, और देखना है कि मतलब इसमें मतलब लड़ना नहीं चाहिए। और इस रख कर एक कांटी लीजिए और यह हैमर हथौड़ा इसे मारकर बाहर निकाल लीजिए इस रिपीट को। तो फटाफट से मैं निकाल देता हूँ। चुका है और यह सूख चुका है, तो इसको चेंज कर लेंगे। तो इसको साइड में रख लेते हैं और उसके बाद इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका कनेक्शन तोड़ देंगे। और पीछे वाला का भी निकाल लेते हैं। मैंने दोनों कैप से ये बाहर निकाल लिया है बूस को। तो दोस्तों इसमें अब बूस डालना सिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मार्केट से ऐसा बूस खरीद कर ले आइए, ये ले कर जाएंगे तो मिल जाएगा इसका बूस। इसके फिटिंग देख सकते हैं, इसमें घुस जा रहा है, तो थोड़ा टाइट होता है, नया रहता है। तो देखिए, आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये घुस रहा है इसमें, देखिए फिट होना चाहिए। तो देखिए ऐसे दो चाहिए बूस, मार्केट से एक 20-30 रुपए का एक मिलता है, तो आप खरीद कर लेकर आ सकते हैं। और इसमें ना हम दोबारा से क्या करेंगे ना, रिपीट नहीं ठोकेंगे, इसमें नट डाल देंगे। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर बूस रखते हैं और उसके बाद यहाँ पर रखेंगे ये रुई को, और उसके बाद यहाँ पर उसका स्प्रिंग है ये, और उसके बाद इसको रखेंगे कैप को। और दोस्तों इसको उल्टा करके ये पेच लेंगे, पेच से ही कसेंगे इसको। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसमें बूस को सेट कर लिया, दो ही पेच डाला और दो नहीं डालूंगा, बहुत टाइम लग रहा है। और उसके बाद इसमें भी डाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये बूस, और उसके बाद ये रुई, और उसके बाद ये इसका स्प्रिंग है, और उसके बाद इसका कैप रख कर। तो दोस्तों देखिए, इसमें भी बूस फिट हो गया और इसमें भी बूस फिट हो गया। ये चार नट आप कस सकते हैं, मैं दो ही नट कस लूँगा तभी चलेगा। और उसके बाद ये ऑयल डाल लेते हैं, इसमें तेल, इसमें ग्रीस का काम नहीं पड़ता है, ऑयल बस डाल दीजिए। इसका रुई जो है उसको भिंगो दीजिए दोनों को। और यह बूस लगकर रेडी हो चुका है। और उसके तो दोस्तों देखिए, इसको फिट कर लेते हैं पंखे में, इस कैप को दोनों को।
तो ये पीछे वाला लगा लेंगे, ये पीछे का है देखिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इस कैप को पीछे की तरफ कस लेंगे और उसके बाद इसको अच्छे तरह से फिट कर लेंगे। और उसके बाद ये देखिए रोटर है, इसको भी अच्छे से कस लेते हैं। तो दोस्तों ये छूट रहा है और ये भी लगा लेंगे दोनों तरफ का पाइप और इसको लगा लेते हैं। तो ये लग चुका है। तो दोस्तों देखिए इसको डालने का तरीका यही है कि मतलब यह बराबर फिट होके, अगर नहीं बराबर आता है तो इसको मतलब वाशर देकर ठीक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों इस कैबिनेट को भी डाल लेते हैं इसमें और उसके बाद देखिए दोस्तों इतना आगे पीछे हो रहा है तो इसमें वाशर लगाएंगे। ये सा होता है वाशर। तो इस कैबिनेट को लगाकर इसमें फिट कर लेते हैं और यह जो सारा नट है यह पेच इसको डालकर कस लेंगे। तो दोस्तों देखिए मैं यह नट लगा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने इसका सारा नट को कस लिया और इसको मतलब अच्छे से मतलब बैठा लेंगे किधर से मतलब कहीं से साइड ना पकड़े। और उसके बाद इसको घुमा कर देखेंगे। तो दोस्तों ये अभी कड़क है, घूम रहा है। और उसके बाद इस पेच को और कस लेंगे इस नट को। तो थोड़ा टाइट कस लेते हैं और उसके बाद देखते हैं घूमता है या नहीं इसका साबट। तो देखिए दोस्तों ये ढीला हो रहा है। और मार लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको देखिए कस लिया हूँ इसका नट और इसको मतलब अगर साइड पकड़ रहा है या कस्ती हो रहा है तो इसको हथौड़ी से चोट मार मार इसको ढीला कर लेंगे। देखिए यह फ्री घूम रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और उसके बाद इसको टेस्टिंग करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो इसको मतलब यह कंडेंसर है 2.5 mfp का, आप लोग देख सकते हैं। और यह लाल वाला मेन होता है और ब्लू और जो ब्लैक है यह कंडेंसर में जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों देखिए जोड़ लेते हैं। अगर आपको मतलब पंखे में यह कनेक्शन पता नहीं चल रहा है तो आप लोगों को सिखा दूंगा कैसे कैसे कनेक्शन किया जाता है। कभी कभी किसी दूसरे पंखे में किसी का कलर कोडिंग अलग अलग होता है तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा कनेक्शन कंडेंसर में डाला जाएगा। तो इसको रख लेते हैं ऊपर टेबल पर और इसको सीरीज वायर से टेस्ट किया जाएगा। और दोस्तों यह मेरा सीरीज वायर है और यह सीरीज बोर्ड है। और उसके बाद आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ घूमने के लिए। इसमें दोस्तों टेप लगा दे रहे हैं कि आप लोगों को दिखाई देगा कि यह घूम रहा है। तो दोस्तों देखिए इसको चेक करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये लाल वाला और ये देखिए, देखिए ये घूम रहा है और देखिए इसमें उल्टा घूमेगा, इसमें सीधा घूमेगा। और देखिए स्विच बोर्ड भी दिखा दो, थोड़ा सा बल्ब ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों देखिए यह कंप्लीट हो चुका है और इसको इस कैबिनेट में कस के और सब पंखे उनको लगा कर ग्राहक को दे सकते हैं। इसमें ना ब्लैक वाला मेन कनेक्शन है और रेड वाला, दोनों को मेन लीड का वायर लगा कर और कस लेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो बन चुका, पंखे बन चुका है। और अगर वीडियो और चाहिए ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक वाला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मैं जब जब वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।